हो गए, गाड़ी किधर लगाई हमें ही मालूम नहीं है। हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। अभी हम सडनली जा रहे हैं मुंबई लालबाग के दर्शन के लिए। अभी शाम के बज रहे 5। अभी पुणे से, मतलब मेरे घर से लालबाग राजा का डिस्टेंस रहेगा 150 किलोमीटर, मतलब 3.5 आवर्स तो लग जाएगा हमें पहुंचने के लिए। अभी 5 बजे तो 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए, अभी हम काला चौकी पहुँच चुके हैं। यहाँ पे गाड़ी पार्क करके अभी जा रहे हैं लालबाग के राजा के दर्शन के लिए। इससे पहले कभी मैं मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए नहीं आया था, मैं पहली बार आया हूँ। लाइन बहुत लंबी है, कम से कम 13-14 घंटे का वेटिंग बताया जा रहा है। पर कुछ दोस्त है अभी हमारे इधर, उनके थ्रू लगता है शायद हो जाएगा जल्दी दर्शन हमारा। तो देखते हैं आगे। बैक साइड से तो हमारा दर्शन हो चुका है, फिर भी हमें 1 घंटा तो लग चुका है दर्शन के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग बोल रहे थे कल रात 2 बजे से लाइन में खड़े बोल रहे थे। अभी क्या मालूम क्या सच है क्या झूठ है, पर अभी हमारे पीछे भी जिनसे पूछ रहा था कम से कम 12-13 घंटे लाइन में खड़े थे बोल रहे थे। अभी हम गणेश गली आए मुंबई के राजा का दर्शन करने के लिए। Thank you.
भी दर्शन अभी हो चुका है। अगर आप मुंबई से बाहर रहते हो और गणपति देखने के लिए मुंबई में आते हो तो यहाँ पे जान पहचान होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो बहुत भीड़ रहती है बहुत। अभी लाल बाग के राजा का भी दर्शन हो गया, मुंबई के राजा का भी दर्शन हो गया। अभी कुछ खाते हैं, फिर अभी 1 बजे घर के लिए निकलते हैं। घर जाते जाते सुबह हो जाएगी शायद। अभी हम ही खो गए, गाड़ी किधर लगाई हमें ही मालूम नहीं है। गाड़ी पार्क करके हम ही भूल गए कहाँ पे गाड़ी पार्क की है। चलते चलते वापस लाल बाग के राजा के इधर आ गए। अभी हम फाइनली गाड़ी मिल गई है। बहुत भीड़ है। जो दर्शन के लिए रांग लगती है, लाइन लगती है, उस पर ही बोर्ड लगा है, लिखा है कि 24 घंटे लगेंगे, फिर भी लोग खत्म नहीं। ट्रैफिक की वजह से बहुत टाइम चला गया। अभी थोड़ी चाय पी के थोड़ा फ्रेश होके फिर निकलते घर के लिए। सुबह के 5:30 बजे हम भी जाके घर पहुँचा।